कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रीति है और सोलफुल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं केसर कुल्फी बना रही हूँ। अभी गर्मियाँ चल रही हैं और इन गर्मियों में कुल्फी सभी को खाना बहुत पसंद आता है, तो आज मैं कुल्फी बना रही हूँ घर में। और एक बेस भी होता है कुल्फी का, जिसके बाद में आप उसमें बहुत अलग अलग फ्लेवर दे करके बहुत अलग अलग तरह की कुल्फी बना सकते हो। तो आज मैं पहले बेसिक कुल्फी बना रही हूँ और इसे आज हम केसर का फ्लेवर दे करके बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केसर कुल्फी। तो कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है, मोटी बेस की कढ़ाई होगी, स्टील की होगी तो ज़्यादा अच्छा है, या नॉन स्टिक भी चलेगी। और उसमें आप सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालिए सो दैट दूध नीचे चिपकेगा नहीं। और दूध मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है फुल क्रीम मिल्क टेट्रा पैक। बेसिकली मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि हम जब ये टेट्रा पैक यूज़ करते हैं तो इसका दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है, क्योंकि इसका क्रीम जो होता है फैट वो दूध में ही मिक्स किया हुआ रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका जब हम मावा या कुछ भी बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी दूध को गाढ़ा कर देता है और हमारा काम जल्दी हो जाता है, और इसमें फैट्स भी होता है, तो इस वजह से आइसक्रीम बहुत टेस्टी भी बनती है। तो देखिए आप, मैंने करीब ये 10 मिनट हुआ है टाइम इसे उबलने के बाद में, और अब मैं इसे चलाते चलाते ही इसे हमें दूध को गाढ़ा होने देना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे लगने पर टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है दूध का। तो इस तरह से इसे चलाते जाएंगे हम, सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ये दूध जो है वो करीब करीब 50% कम हो चुका है। और अब इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं जो कि करीब है 150 ग्राम के आसपास, तो 150 से 200 ग्राम के आसपास। आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो और भी डाल सकते हो। और शक्कर डालने के बाद में हमें इसे बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शक्कर मेल्ट हो जाती है। और जब आप देखेंगे कि इस तरह से दूध आपका ऊपर आकर के ऐसे दिखने लगा है तो इसका मतलब कि हमारा दूध पूरी तरीके से रेडी है, उसमें पानी का अंश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और शक्कर अच्छे से पक गई है। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है कुल्फी जमाने के लिए। अब मैं एक थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ पहले से, क्योंकि कुल्फी में आइस नहीं आना चाहिए अंदर, तो इसके लिए हम बाहर एक बर्तन में थोड़ा सा आइस क्यूब्स क्रश कर रहे हैं। और इसके अंदर जिस बर्तन में, जिस कुल्फी के सांचे में हमें कुल्फी जमानी है, उसको पहले से ही डाल करके हम फ्रीजर में रख देंगे। प्लस दूसरी चीज़ कि आइस के बीच में हम नमक डालेंगे, इसे थोड़ा बारीक कर लेना है, क्योंकि वो बर्तन के साथ ज़्यादा अच्छे से कांटेक्ट में रहेगा अगर हम उसे अच्छे से बारीक कर देते हैं तो। और थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और इस वजह से आइसक्रीम बहुत अच्छी जमती है और उसमें बिल्कुल भी बीच में बर्फ नहीं आती। तो इस तरह से मैं जब तक वो मिश्रण हमारा बेसिक जो है वो ठंडा हो रहा है, तब तक इस तरह से इन सांचों को आइस क्यूब्स के बीच में डाल करके नमक के साथ में, और इसे मैं फ्रीजर में रख दे रही हूँ, क्योंकि हमारे ये मोल्ड जो हैं ये भी एकदम ठंडे रहेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो आइसक्रीम का इसमें जब मिश्रण डालेंगे तैयार करके तो वो एकदम जल्दी से और फास्ट जमने लग जाए, और साथ ही हम फ्रीज़र का टेम्परेचर भी एकदम कोल्डेस्ट मोड पे सेट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए इसको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में, और अब आइए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, आज मैं केसर कुल्फी बना रही हूँ और साथ में उसमें डाल रही हूँ बादाम। तो बादाम के लिए इस तरह से आपके पास में क्रशर होगा, तो ये वेफर्स बनाने का है या कुछ भी, आप छोटी मोटी चीज़ें इसमें क्रश कर सकते हैं। तो जस्ट इसे 2-3 बार बादाम इसमें डाला मैंने और उसको क्रश कर लिया, क्योंकि अभी इसे मुझे कोई फाइन पाउडर नहीं बनाना है, जस्ट इसके पीसेस रखने हैं, इसीलिए मैं इसमें क्रश कर रही हूँ। और रोस्ट भी नहीं किया है वैसे बादाम को, ये ऐसे ही ले रहे हैं। तो एक पार्ट निकाल लिया हमने बेसिक कुल्फी का, और उसमें हमने ये करीब 6 से 8 बादाम को बारीक क्रश करके डाला है। और ये है केसर, जिससे हमारे आइसक्रीम को बहुत अच्छा टेस्ट और कलर दोनों आएगा, और हेल्दी भी हो जाएगी आइसक्रीम। और घर में हम बना रहे हैं तो हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना ही है। सो इस तरह से आप उसमें, क्योंकि हम एक पार्ट ही अभी बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा जस्ट 1 चम्मच ही लेकर के उसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने जो बेसिक मिश्रण बनाया है कुल्फी का, उसको ठंडा होने के बाद में
उसका एक पार्ट निकाल लिया है और इस तरह से उसमें हमने बादाम और केसर डाला है। और शक्कर का आप ध्यान दीजिए कि आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रख सकते हैं या थोड़ा कम मीठा भी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, पर सिर्फ दूध को अच्छे से गाढ़ा करना है। करीब जैसे ये मेरा टेट्रा पैक का दूध है तो इसे मैंने 50% कम किया है। आपके पास में अगर पाउच वाला दूध ले रहे हो तो उसे आप 60% तक सुखा दीजिए, 60-70% तक। और इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पिंच भर जायफल पाउडर और करीब 2 पिंच जितना पिसा हुआ इलायची पाउडर डाला है। ये उसमें थोड़ा हल्का सा फ्लेवर को और एनहेंस करता है। जैसे केशर डाला है तो केशर के साथ में ये खुशबू बहुत अच्छी उसको एक टेस्ट देती है। अब ये हमारा जैसे मिश्रण तैयार हो गया है तो अब हमें इसे सांचे में भरना है। और आप चाहें तो इसमें आप आइसक्रीम की स्टिक्स भी लगा सकते हैं अगर आपके पास होंगी तो, और नहीं तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही भर दीजिए। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम इसे रखते टाइम अच्छे से एयर टाइटली पैक करेंगे। तो ये ढक्कन वाले हैं तो मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। आपके पास में अगर ढक्कन वाले सांचे नहीं हो तो आप उसे एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर जो अपना रैप आता है उससे भी आप उसको अच्छे से पैक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये भर लिया है और इसे मैं अभी अच्छे से कवर कर दूंगी। और इसे जमाने के लिए हमें फ्रिज में करीब करीब 6 से 8 घंटे का टाइम देना है। डिपेंड्स करता है कि आपके यहाँ पे बच्चे कितने बड़े हैं, क्योंकि अगर बच्चे छोटे होते हैं बार बार फ्रीज़र खोलते हैं तो फिर उस कंडीशन में ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है आइसक्रीम जमने में। तो कंटिन्यूस अगर बंद रहता है फ्रीज़र तो 4-5 घंटे में तैयार हो जाती है ये आइसक्रीम। तो इस तरह से अब इसे हमें रख देना है फ्रीज़र के अंदर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसे अब हम 3-4-5 घंटे तक। और उसके बाद में अब ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ 5-6 घंटे हो चुके हैं और अभी इन आइसक्रीम को हम ओपन करके देखते हैं कैसी बन गई है। ऊपर से तो दिख रहा है कि बहुत अच्छे से फ्रीज हुआ है क्योंकि उसके ऊपर हमें आइस का वाइट वाइट दिख रहा था, ये देखिए। और अब हम इसे ओपन करते हैं। वाह, ये तो एकदम परफेक्ट लग रही है। आइए इसे निकालते हैं बाहर। अब स्टिक तो नहीं लगाई, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे फोक से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें डालिए थोड़ा सा एक बर्तन में नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में हल्का सा इसे डिप कीजिए, जस्ट बाहर थोड़ा सा एक बार घुमा लेना है। और अब इसे धीरे धीरे घुमाते हुए साइड से निकाल लेंगे। आइए इसे हम निकालते हैं और ये देखिए जम गई एकदम शानदार वाली कुल्फी। और इसको कट करके भी चेक करेंगे हम अभी कि इसके बीच में आइस आई है या नहीं, या ये कैसी जमी है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी आई है। तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए क्योंकि हमारे पास में फोक है उससे भी हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, और आप अगर आप स्टिक्स लगाएंगे पहले से ही तो आप वैसे भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ आइसक्रीम तो आइसक्रीम है, आप बोल में भी डाल के खाइए तो भी मज़ा ही आने वाला है। सो ये कुल्फ़ी इस तरह से हम सर्व कर रहे हैं। अब इसे हम कट करेंगे और इस तरह से बोल में डाल लेते हैं। आप देख सकते हो इसकी कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और एक और निकाल लेते हैं साथ में सेम उसी तरीके से। बहुत ज़्यादा देर पानी में नहीं रखेंगे नहीं तो साइड से बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा। और बस इसे हम इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा इसे और ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, थोड़ा बादाम डाल दीजिए और क्रश किया हुआ। और इस तरह से अब इसे टेस्ट करके देखते हैं हम। वाओ, जस्ट नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना है। आप बिल्कुल ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी वाली आइसक्रीम बन जाएगी घर में। और ये कुल्फ़ी सबको पसंद आने वाली है, ये फ्लेवर और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब मैं आपसे एक सब्सक्राइब करने के लिए तो कह सकती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशंस बेल को ऑन रखिए सो दैट आपको इसके नेक्स्ट आने वाली रेसिपीज जो होंगी वो उसका भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो
सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू एंड वेलकम बैक।